नमस्कार साथियों, आज हम भूमि उपयोग के आंकड़ों के मानचित्र के संबंध में बात करेंगे। इससे पहले हमने आंकड़ों के संबंध में बात की थी। दो तरह के भूमि उपयोग के आंकड़े होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े। इन आंकड़ों को हम विभिन्न स्रोतों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। अब हमारे सामने आंकड़े आने के बाद में हम इन आंकड़ों को मानचित्र पर किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, ये हम आज की जो कक्षा है उसमें चर्चा करते हैं। हमारे सामने विभिन्न स्रोतों से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उन आंकड़ों को हम प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। ये आंकड़े हमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं और इन आंकड़ों में अनेक अशुद्धियां और अनियमितताएं पाई जाती हैं। तो मानचित्रीकरण से पहले हमें क्या करना है, इन आंकड़ों का जब हम विश्लेषण करते हैं इससे पूर्व इनमें जो अशुद्धि होती है, जो त्रुटियां होती हैं, उनका निदान अत्यंत आवश्यक है, ताकि शुद्ध आंकड़ों के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सके और इकट्ठे जो आंकड़े हैं, जो हमारे द्वारा एकत्रित आंकड़े हैं, उन अशुद्धियों और त्रुटियों को जांच कर उनमें आवश्यक जो संशोधन है वो करते हैं। और इस त्रुटि और जो अशुद्धियां होती हैं उनको जो संशोधन करने की जो क्रिया है, विधि है, उसको हम समंक संपादन का नाम देते हैं। यानी हमारे पास प्राथमिक और द्वितीयक प्रकार के आंकड़े, अप्रकाशित, प्रकाशित और व्यक्तिगत रूप से जो लिए गए आंकड़े होते हैं, उन आंकड़ों में जो अशुद्धि होती है, उन अशुद्धियों को, त्रुटियों को दूर करने का जो काम होता है, वो समक संपादन की क्रिया के द्वारा हम करते हैं, ताकि हमारी जो भूमि उपयोग से संबंधित जो मानचित्र होते हैं उनमें गलतियां न हो। तो इस प्रकार जो समक संपादन का जो काम है वो विशेष योग्यता और जिनके पास अनुभव होता है उनके द्वारा ये किया जाता है। और ये आवश्यक भी है कि योग्यता और अनुभव के आधार पर व सावधानी से इन आंकड़ों में जो त्रुटियां होती हैं, अशुद्धियां होती हैं, उनको सुधारा जाए। अब हम इन आंकड़ों को जब मानचित्र पर प्रदर्शित करते हैं तो बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि हम मानचित्र के माध्यम से किसी क्षेत्र प्रदेश के भूमि उपयोग के जो आंकड़े हैं उनके द्वारा हम वहां के स्वरूप को आसानी से पहचान सकते हैं। तो किसी ने ठीक कहा कि एक चित्र 1,000 शब्दों के बराबर होता है। तो हम उस चित्र के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से उस क्षेत्र विशेष में जो भूमि उपयोग से संबंधित जो आंकड़े होते हैं उनके माध्यम से हम वहां के भूमि उपयोग स्वरूप को आसानी से पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। अब हमारे पास जो आंकड़े हैं, प्राथमिक और द्वितीयक प्रकार के जो आंकड़े हैं उनको हम किस प्रकार से मानचित्र पर उनको उतारें, उनको प्रदर्शित करें, तो हमारे पास दो प्रकार की विधि है। एक मात्रात्मक विधि, अमात्रात्मक विधि, और दूसरी मात्रात्मक विधि। तो इस प्रकार दो प्रकार से हम भूमि उपयोग से संबंधित जो आंकड़े होते हैं उनका मानचित्रीकरण करते हैं, अमात्रात्मक और दूसरा मात्रात्मक विधि से। हम मात्रात्मक विधि की जब बात करते हैं तो प्राचीन विधि होती है, और इस विधि में सांख्यिकी जो सूचनाएं होती हैं वो नहीं होती है। यानी हमारे इस प्रकार की जो विधि है उसमें आंकड़ों का कोई
कोई भूमिका नहीं होती है और उसका हम भूमि उपयोग, भूमि वर्गीकरण, कृषि प्रदेश या एक तत्व को दूसरे तत्व से अलग दिखाने के लिए इस विधि में हम छायाकरण या रंगों का इस्तेमाल करते हैं। आंकड़ों का इसमें कोई रोल नहीं होता है, केवल हम भूमि उपयोग, उसका वर्गीकरण, कृषि प्रदेश या एक तत्व से दूसरे तत्व में तत्वों को अलग करने के लिए इसमें छायाकरण या रंगों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम, क्योंकि ये अमात्रात्मक विधि प्राचीन विधि है, तो वर्तमान में इस विधि को बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, बहुत कम इसको काम में लिया जाता है। दूसरी जो विधि है वो मात्रात्मक मानचित्रिक विधि। इस विधि में हमने इसको तीन भागों में विभाजित किया है, बिंदु विधि, वर्णमान मानचित्र विधि और समान रेखा मानचित्र विधि। सबसे पहले हम बिंदु विधि की बात करेंगे। इसमें हम भूमि उपयोग से संबंधित जो आंकड़े होते हैं वो हम फसलों और पशुओं की जो संख्या है उसको दिखाने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। क्योंकि हम इस विधि के नाम से हमें मालूम है बिंदु विधि, तो हम बिंदु बोर्ड के माध्यम से यहाँ फसलों और पशुओं की जो संख्या है वो निर्धारित करते हैं। और यह कल्पना की जाती है कि एक बिंदु के बराबर एक निश्चित मान की कल्पना की जाती है। यानी एक बिंदु को हमने जैसे 5,000 की संख्या मान ली, 10,000 की संख्या मान ली, तो एक निश्चित मान हम एक बिंदु का रख देते हैं और वह एक प्रशासनिक इकाई के अंदर ही उसको रखा जाता है। जिस प्रशासनिक इकाई की हम मानचित्र बना रहे हैं, उसका बिंदु विधि का उपयोग कर रहे हैं, तो उस प्रशासनिक इकाई में उसकी सीमा के अंदर ही इसको रखते हैं। और बिंदुओं की घनत्व के आधार पर हम फसल और पशुओं की का जो घनत्व होता है उससे हम सहज आसानी से अनुमान लगा लेते हैं। जैसे हम राजस्थान में पशुओं की संख्या की जब बात करते हैं तो यहां हम पर्टिकुलर जैसलमेर की बात करते हैं तो हमने यहां एक बिंदु का मान 10,000 रख लिया, 10,000, और हमने क्षेत्र विशेष के हिसाब से जहां घनत्व अधिक मिलेगा और उसी घनत्व के आधार पर इनको प्रदर्शित कर देंगे। तो इनकी संख्या के आधार पर, बिंदु के घनत्व के आधार पर हम इसको आसानी से इस मानचित्र को पढ़ सकते हैं। दूसरा, वर्णमान मानचित्र विधि। इस विधि में हम आंकड़ों का प्रदर्शन करने हेतु वर्णमात्री जो विधि है वो सबसे अधिक उपयुक्त होती है। और इनके द्वारा किसी प्रदेश के विभिन्न इकाइयों में भूमि उपयोग के घनत्व का अंदाजा सरलता से लग सकता है, लगाया जा सकता है। इसमें हमें क्या करना है, हमारे पास जो आंकड़े होते हैं उन आंकड़ों को हम आरोही या अवरोही क्रम में लगा लेते हैं, यानी आरोही और अवरोही, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। अब हमें क्या करना है, इन जो आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं उनको हमने आरोही और अवरोही क्रम में लगा लिया। अब हमें ग्रुप बनाने हैं और वो ग्रुप जैसे हमने 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29 और 30 से 39, इस क्रम में हमें इनका निर्धारण करना है। विभिन्न वर्गों में हमने यहां बांट दिया है। अब इनको जब हम प्रदर्शित करते हैं इन आंकड़ों को,
तो इसी क्रम में हम यहां मानचित्र में प्रदर्शित कर देंगे। मानचित्र में प्रदर्शित करने के बाद में हम इनको संकेतों के माध्यम से जो हमने क्रम लिए हैं उनको संकेतों के माध्यम से इस मानचित्र में एक साइड में इनको प्रदर्शित कर देंगे। हमें करना क्या है, हम या तो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में जो हम छायाकरण इन वर्गों का यहां मानचित्र में करेंगे, तो यहां हम या तो ज्यादा का ज्यादा गहरा, उससे कम उससे हल्का आ जाएगा, इस प्रकार से हम इनको मानचित्र में प्रदर्शित कर देंगे। तो इसको हम वर्णमान मानचित्र का नाम देते हैं। अब हम तीसरी जब विधि की बात करते हैं जिसमें समान रेखा मानचित्र विधि है, इस मानचित्र में हम यहां हम बात कर रहे हैं आंकड़ों के प्रदर्शन की मानचित्र में, तो यह क्योंकि अमेरिका के भूगोलवेत्ता इस विधि को काम में लेते हैं, ज्यादा काम में लेते हैं और अमेरिका में यह विधि काफी प्रचलित है। हमें जब ज्ञात वस्तुओं की जो मात्रा मालूम हो जाती है, आंकड़े हमें प्राप्त हो जाते हैं, तो यहां हम स्थानिक ऊंचाई जब हम मानचित्र में प्रदर्शित करते हैं उसी प्रकार इन आंकड़ों को हम मानचित्र में प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम स्थानिक ऊंचाई को यहां ऐसे प्रदर्शित करते थे, अब हम इन्हीं आंकड़ों को समान मूल्य के जो आंकड़े हैं उनको आपस में मिला देते हैं। तो इस प्रकार वस्तु की ज्ञात मात्रा या मूल्य को स्थानिक ऊंचाई की तरह यथा स्थान पर लिखते हैं और इसके पश्चात इन मूल्यों को किसी उचित अंतराल पर अंतर्वेशित करके मानचित्र में समान रेखाएं खींच देते हैं। मानचित्र में समान रेखाएं उनको मिलाकर समान जो मान होते हैं उनको मिला देते हैं और हम उनको रेखाओं के माध्यम से उनको मिला देते हैं। तो इस प्रकार समान रेखा मानचित्र के द्वारा हम भूमि उपयोग के जो आंकड़े हैं वो प्रदर्शित करते हैं। तो हमने भूमि उपयोग मानचित्र में अमात्रात्मक और मात्रात्मक मानचित्र के बारे में पढ़ा, जो बिंदु वर्णमान और समान रेखा मानचित्र, यहां इसमें हम आंकड़ों का उपयोग नहीं करते हैं और यहां जो आंकड़े होते हैं प्राथमिक और द्वितीयक प्रकार के जो आंकड़े होते हैं उनको इन विधियों के माध्यम से हम मानचित्र पर प्रदर्शित करते हैं। अब हमने ये मानचित्रीकरण का कार्य यहां इन विधियों के माध्यम से किया, किन किन समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है इनकी हम अगर चर्चा करते हैं, तो हम बात करते हैं जब हम आंकड़ों का संकलन करते हैं तो हम प्राथमिक और द्वितीयक प्रकार के जो आंकड़े होते हैं, प्राथमिक आंकड़े हम व्यक्तिगत संपर्क करके प्रश्नावली बना के या किसी संवाददाता को नियुक्त करके या किसी पर्यवेक्षक को नियुक्त करके हम प्राथमिक आंकड़ों को संकलित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, लेकिन यह संभावना होती है कि वो आंकड़े हमें पूर्ण रूप से सही नहीं मिलते। संबंधित जो परिवार होता है वो अपने परिवार से संबंधित सही जानकारी हमें नहीं देता, अपनी आय से संबंधित हमें जानकारी नहीं देता, तो इस प्रकार से हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, हमें आंकड़े सही नहीं मिलते हैं। व्यक्तिगत रूप से जो हम आंकड़े एकत्रित करते हैं उन आंकड़ों को एकत्रित करने में बहुत समय लगता है, कठिन कार्य होता है और अनुसंधानकर्ता या शोधकर्ता के पास अगर समय है, अगर
ज्यादा समय उसके पास है तो व्यक्तिगत रूप से भी उन आंकड़ों को इकट्ठा करता है। इसके लिए हिम्मत और साहस की जरूरत होती है, क्योंकि काफी समय में उन आंकड़ों का एकत्रीकरण किया जाता है, काफी समय लग जाता है। तो इस कारण से प्राथमिक जो आंकड़े होते हैं उनमें इस प्रकार की कठिनाइयों को सामना हमें करना पड़ता है। कई बार प्रश्नावली से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनके जवाब सही नहीं दिए जाते, तो इस प्रकार आंकड़ों में अशुद्धि आ जाती है, त्रुटियां हो जाती हैं, सही आंकड़े हमारे पास नहीं आते हैं। फिर हम द्वितीयक प्रकार के जो आंकड़े होते हैं जो अप्रकाशित और प्रकाशित होते हैं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, विभिन्न सरकारी दफ्तरों में के माध्यम से हमें ये आंकड़े प्राप्त होते हैं, तो यहाँ समस्या क्या होती है? ये आंकड़े हमें प्राप्त तो हो जाते हैं लेकिन शोधकर्ता के उद्देश्य अनुसार ये आंकड़े हमें नहीं मिलते हैं और इनमें विश्वसनीयता में कमी होती है। दूसरी जो द्वितीयक प्रकार के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े हमें सरकारी दफ्तर से प्राप्त होते हैं, सरकारी कार्यालय से प्राप्त होते हैं, तो हमें निश्चित समय में ये आंकड़े प्राप्त नहीं होते हैं, कई बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं कई बार। तो इस प्रकार ये आंकड़े प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई प्राप्त होती है, बड़ी कठिनाई होती है, जिसके कारण से ये आंकड़े हमें आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये समस्या हमारे सामने आती है, आंकड़ों से संबंधित जो समस्या है उनके बारे में हमने चर्चा की। तो इस प्रकार ये जो आंकड़े होते हैं इन आंकड़ों का हम किस प्रकार से मानचित्र पर इनको उतारें, इनको प्रदर्शित करें, ये हमने चर्चा की। इसके बाद में हम आंकड़ों के संबंध में जो इतिहास है, भूमि वर्गीकरण है विभिन्न देशों का, उसके बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। थैंक यू।